नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश नीरज और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब इलेक्शन खत्म हो चुके हैं और भाजपा सरकार दोबारा से सत्ता में वापस आई है, वहीं कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा ग्रो अप कर सकी है पिछले के मुकाबले। अब हम लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या खास वजह रही, क्या कुछ मुद्दे रहे जो उनके मन में दोबारा से भाजपा सरकार को लाने की उम्मीद जगी, या कह सकते हैं कि कुछ ऐसे चीजें भाजपा सरकार के टाइम पे हुए जो लोगों को अच्छी लगी और जिसके वजह से उन्होंने वापस से भाजपा पार्टी को मैंडेट देकर वापस से सरकार में लाए। आइए चलिए लोगों से उनकी राय जानते हैं। सर आपका नाम? नहीं नहीं बीजेपी तरह सुरेश जी, क्या लगता है आपको जो भाजपा के दोबारा आने का क्या कारण है? बार-बार भाजपा एक बार फिर आएगी। मोदी इज ऑनेस्टी आदमी और उसके आने के कारण यही है कि चारों तरफ विकास सा हो रहा है, लेकिन 5 साल में जितना हुआ था उतना किया, क्योंकि हिंदुस्तान में समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और बारी बारी से इनका इंतजाम होगा। मुझे याद है जब मोदी की पहले सरकार बनी थी तो एक अखबार ने लिखा था संपादकीय लेख में कि ये जो 50-60 साल का कचरा है ये 5 साल में साफ नहीं होगा। तो मोदी इज वेल एंड गुड, मोदी जैसा ना कभी कोई आया है ना दोबारा आएगा। आप मोदी जी के जो 5 साल के बारे में कह रहे हैं, अच्छे दिन उन्होंने कहा कि लाएंगे अच्छे दिन, जीएसटी के आगे और क्या रहेगा? जीएसटी में क्या हो गया? जीएसटी में लोगों का फायदा ही हुआ, एक दुकानदार के पास रोज टैक्स वाले दफ्तर के चपरासी तक आके खड़े हो जाते थे, जनाब सेवा करो जनाब सेवा करो, कोई सब आना बंद हो गए। जीएसटी ने क्या बुरा किया? टैक्स तो आपको वैसे भी देना है, बाहरली कंट्री में चले जाओ, जो आदमी 2 घंटे की दिहाड़ी लगाता है उसको भी टैक्स काट के पैसे मिलते हैं। लोगों को आदत डालनी चाहिए इन चीजों की, अगर हिंदुस्तान को ऊंचा उठाना है तो। मेरे पास एक बार मैं पब्लिक डीलिंग के काउंटर पे खड़ा होता हूँ, मेरे पास एक बार 2 कस्टमर आए, दोनों अंग्रेज थे। एक को मैंने पूछा यू आर कमिंग फ्रॉम, वो कहता नॉर्वे, बड़े गमर से नॉर्वे, प्रोग्रेसफुल कंट्री। आप बोल सकते हैं ऐसे किसी मुल्क में जाके? कोई और बोल सकता है? दूसरे को पूछा वो कहता जर्मन, सॉलिड कंट्री। कौन कह सकता है ऐसी बातें अभी तक जाके? अगर कुछ आगे बढ़ना चाहते हो तो कुछ थोड़ा सहना भी पड़ता है और कुछ मेहनत करना भी पड़ता है, कुछ देश के लिए सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। ये नहीं सारा दिन कटोरा हाथ में पकड़ के खड़े रहो, इसने ये नहीं दिया, इसने वो नहीं दिया, इसने ये नहीं दिया। अरे कुछ अपने आप भी उसको तो पैदा करो। पिछले जो 70 साल के बारे में बात करें तो कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके वजह से यार क्या किया है? हैं क्या किया है कांग्रेस ने? आप मुझे बताओ, अगर कुछ किया है थोड़ा बहुत 2-1% तो इनको वहां कोई किसी डिनर पे तो बुलाया नहीं गया था, उसमें पार्लियामेंट में आ जाओ खाते रहो, सारा दिन सोते रहो खाते रहो, कर लिया तो क्या हो गया? तो क्या 5 साल भाजपा के लिए जो आने वाले 5 साल है वो उनके लिए संतुष्ट है कि वो चाहिए? 5 साल हिंदुस्तान के लिए गोल्डन पीरियड होगा। आप मुझे ये बताओ कि मोदी ने किसके लिए पैसा जोड़ना है, किसके लिए खाना है, किसका एग्जाम्पल के तौर पे आप ये बताओ, आप अखबार के न्यूज़पेपर के या किसी के एंकर या एडिटर हो, मुझे ये बताओ 5 साल में मोदी मंत्रिमंडल का एक भी मंत्री ऐसा है जिसने कोई घोटाला किया? नहीं घोटाला तो नहीं किया, लेकिन अगर चंडीगढ़ की सांसद को देखा जाए तो लोग उनके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है। इतने भी अब तक हम मिले हैं, एक भी नाम बताओ जो नहीं संतुष्ट है? अपोजिशन वाले नहीं संतुष्ट है, वो इसलिए नहीं संतुष्ट है उनको घोटाला करने का टाइम नहीं मिल रहा, उनके हाथ में कुछ नहीं बच रहा। किरण मैम ने क्या कुछ चंडीगढ़ को दिया है 5 साल में? बात यह है कि ये किरण खैर को या किसी और को देख के इलेक्शन नहीं लड़ा गया, ये इलेक्शन मोदी के ऊपर लड़ा गया। आपका मतलब यही कहना है लोगों ने वोट दिया तो मोदी जी को दिया ना कि मोदी का 101% मोदी को दिया, इसमें कोई बात ही नहीं है कि मोदी जी के अलावा और कोई ऐसा कैंडिडेट? यार जैसे आप अपना घर कंट्रोल करते हो वैसे मोदी अपने आप इनको कंट्रोल करेगा। सर आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम पीके राय, पीके शांति राय। अच्छा तो आप भाजपा को दोबारा सत्ता में आइए तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो भाजपा जो है अभी ये 5 साल जाएगा, ठीक है, अगला इलेक्शन में जो होगा वो देखेगा, अगर अच्छा काम कर लिया ठीक है तो अच्छा परिणाम मिलेगा। तो
तो पिछला जो कार्य उन्होंने किया जैसे जीएसटी और देखो पिछला जो हो गया पिछला का होने को तो पिछला जो होना तो हो ही गया उसको देख के तो हमारा को भी फायदा है नहीं। और जो कांग्रेस का था मतलब कि जैसे लग रहा था कि कांग्रेस देखो एक बात है जैसा कांग्रेस था उसी टाइम आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा था ठीक है ना। तो इसकी टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया क्या पता है जो जीएसटी लगा दिया ठीक है ना इसमें थोड़ा नोटबंदी कर दिया इसमें लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। क्या कुछ भाजपा ने ऐसे व्यापारियों वर्ग के लिए किया कि उनको कुछ फायदा या राहत मिल सके? देखो भाजपा जिस तरह अभी वादा कर रहा है अगर उस तरह कर लेगा तो उसमें फायदा होगा अदरवाइज फायदा नहीं होगा। और कांग्रेस ने व्यापारियों के लिए क्या कुछ ऐसा किया या नहीं? कांग्रेस जो है कांग्रेस तो पहले ठीक था ठीक है ना अभी जो कांग्रेस आया कांग्रेस के लिए हार के लिए जिम्मेदार एक्चुअल राहुल गांधी है। अच्छा राहुल गांधी को मानते हैं? हाँ राहुल गांधी है। प्रियंका गांधी जहाँ भी ये किया एडवर्टाइजमेंट किया वहाँ सारे हार गया। सर क्या लगता है आपको कि भाजपा दोबारा से सत्ता में आई है? पिछली बार 283 थी इस बार 303 है। क्या लोगों के मन में क्या रहा होगा जिनकी वजह से उन्होंने दोबारा से? लोगों ने सोचा कि 5 साल इनको और मौका देके देखना चाहिए। मतलब मौका दिया गया है? मौका दिया गया है और कुछ नहीं है। बाकी 5 साल में चंडीगढ़ का तो कोई विकास नहीं हुआ तो हमने सोचा चलो हमने मैडम को वोट नहीं दी हमने दिए मोदी जी को वोट। मोदी जी को वोट इसलिए दी है कि चलो कुछ ना कुछ तो चंडीगढ़ का भला करेंगे ठीक है जी। बाकी 5 साल में पता लग जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। कांग्रेस का कोई बंदा जो था ना वो मतलब नहीं था स्ट्रांग नहीं था स्ट्रांग नहीं था। अब जैसे कि उन्होंने बीच में प्रियंका गांधी जी को भी ले आए थे ठीक है उत्तर प्रदेश के लड़ने के लिए मतलब चुनाव के लिए ये तो हमें स्कूल समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। तो आप क्या चाहते हो कांग्रेस की तरफ से कोई स्ट्रांग उम्मीदवार होना चाहिए? स्ट्रांग उम्मीदवार जैसे कि अभी कांग्रेस पार्टी की अभी CWC की मीटिंग चल रही है कि ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जी इस्तीफा दे सकते हैं अपने अध्यक्ष पद से क्या कुछ? नहीं इस्तीफा नहीं देना चाहिए उनको लड़ना चाहिए हक के लिए लोगों के लिए लड़ना। तो भाजपा से क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं कि आने वाले 5 साल में वो आपके हित में क्या कुछ कर सकते हैं? हित में करेंगे वो बाद की बात है पहले करें तो सही कुछ कर। सैलरी बढ़ानी है। सैलरी जो वर्कर है बेचारे प्राइवेट काम कर रहे हैं उनके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता है। जो बेचारा प्राइवेट जॉब है उनके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता है। जॉब रोजगार को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार को लेकर। शिक्षा व्यवस्था कह लीजिए। हाँ शिक्षा तो है ही शिक्षा सबसे पहले। सुरक्षा को लेकर कह लीजिए क्या कुछ उनमें सुधार हुए या होने बाकी? अभी देखो अभी कल की बात है कल वहाँ पे 21 स्टूडेंट मर गए बेचारे सूरत में। तो हर चीज को देखना चाहिए सिस्टम सुधारने चाहिए। फायर ब्रिगेड लेट आई आधा घंटा ठीक है वो सिस्टम सब गलत था इसीलिए बच्चे इतने मर गए वहाँ पे। तो ये सब चीजें देखनी चाहिए सरकार। सर आपका नाम? सतीश कुमार। सर क्या लगता है आपको कि भाजपा दोबारा से आने का क्या कुछ कारण रहे होंगे जो लोगों ने उनको दोबारा से? चलो ऐसा है भाजपा सरकार जो है आई है अच्छी बात है ठीक है पर जो है जो वादे कर रहे हैं जो प्राइवेट नौकर हैं नौकरी करने वाले हैं उनके लिए एक संडे का जो दिन होता है वो भी नहीं मिल रहा है उनके राज में। तो जितने भी अपने दुकानदार भाई हैं हमारे को संडे का कुछ नहीं मिलता इससे परेशान है। सैलरी हमारी बहुत कम है जो हमारा PF वगैरह होता है कुछ नहीं काटता हमारा। तो आप क्या चाहते हो भाजपा से? भाजपा से ही चाहते हैं भाई कम से कम ये सुधार करें और छोटे जितने भी लोग हैं बोल रहे हैं भाई और बहनों हम उठा देंगे उनको दबाओ मत उठाओ उनको। तो और क्या पिछले 5 साल में जैसे भाजपा आई रही और कुछ नहीं किया हमारे सामने तो कुछ भी नहीं हुआ हमारी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। Now. जैसा कि आपने देखा लोगों की राय थी कि मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए जिनके वजह से लोगों ने उनको दोबारा से चुना है। और कई लोगों का ये भी कहना है कि एक काम अगर उन्होंने बुरा किया है तो 4 काम उन्होंने अच्छे किए हैं जिस वजह से लोगों का मन रहा कि उनको दोबारा से सत्ता में वापस लाया जाए। कैमरामैन मनदीप गौतम के साथ चंद्रप्रकाश न्यूज की रिपोर्ट अर्थ प्रकाश टीवी की। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।